बड़ी खबर, लखनऊ में बेटे के मौत पर मां को पुलिस के पैरों पर गिरना पड़ा, तब दर्ज हुई रिपोर्ट। गुरबंगा के पेरामलू इलाके में अवैध रूप से संचालित प्लाईवुड फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह एक मजदूर की मौत हो गई। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक 2 महीने पहले खराब हो चुकी मशीन पर मजदूरों से जबरन काम करवा रहा था, इसी मशीन की चपेट में आकर मजदूर की मौत हो गई। आक्रोश में लोगों ने शुक्रवार दोपहर उसी रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं मृतक की मां को इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। बीटे के शिवपुरी बाराखेमपुर निवासी आकाश 19 साल के दीपू यादव ने अपने बड़े भाई पिंटू के साथ 2 साल पहले लाल बाबू की प्लाईवुड कंपनी में काम कर रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक सब मजदूर काम कर रहे थे। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे टिकुल लाइव सुखाने वाली मशीन के पास खड़ा था, अचानक मशीन का कंट्रोल फेल हो गया था। इससे पहले टिकू संभाल पाता भारी भरकम मशीन उसके ऊपर गिर पड़ी। यह देख अन्य मजदूर ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन वह उसकी मौत जगह पर ही हो चुकी थी। 1 लाख रुपए लो, मुंह बंद रखो, मालिक ने उन्हें कहा कि 1 लाख रुपए लो और अपना मुंह बंद रखो और चुप रहने की धमकी दी। एक माँ बिचारी अपने बेटे की मौत से आहत होकर माँ लज्जावती रो रो कर बुरा हाल हुआ था। वह सिर पर हाथ रखकर इधर उधर भटक रही थी। बाद में वह फैक्ट्री मालिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुँचे। इसी दौरान इंस्पेक्टर तेज प्रकाश सिंह कुर्सी पर बैठे हुए थे और वह उस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही। इतनी के बेहद शर्मनाक घटना घड़ी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप, आजी प्रेस और